जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे सर्दी, सर दर्द, कमर दर्द दूर भगाने वाले सेहतमंद लड्डू। हमारे आज के लड्डू की रेसिपी में ना ही इसमें चीनी है ना गुड़ है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, सिर्फ ड्राई फ्रूट और कुछ खास चीज़ों से बनके तैयार होती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रोज़ाना एक लड्डू खाएं और सेहतमंद रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हेल्दी लड्डू की रेसिपी। तो कम से कम घी में आज हम बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने लिया है एक चम्मच घी। पैन में डालेंगे, गैस ऑन कर देंगे, जैसे ही घी गर्म हो जाता है उसमें हम डालेंगे 100 ग्राम बादाम। तो यहाँ पे हमने कप से नापा है, तो कप से लेंगे तो एक कप लिया है और ग्राम से 100 ग्राम है। तो आप कोई भी मेजरमेंट के लिए, नाप के लिए एक कप ले लें। और साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे एक कप काजू। तो एक कप यहाँ पर हमने बादाम लिया और एक कप काजू। काजू बादाम को 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से घी में हम इसे सेल्फ फ्राई करेंगे। ऐसा करने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और जिससे लड्डू हमारे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनते हैं और ज़्यादा दिन तक ये ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक हमें इसी तरीके से घी में भूनना है। और 2 से 3 मिनट पूरे हो चुके हैं तो बहुत ज़्यादा हमें इन्हें कलर चेंज होने तक नहीं पकाना है। चलिए हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो गैस स्लो कर देंगे और सभी को हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो काजू और बादाम हमारे अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, बहुत ही कम घी में और बिना किसी चाशनी से यहाँ पे हमारे आज लड्डू बनेंगे। तो चलिए हमें काजू बादाम को निकाल के रख देते हैं। और इसी घी में यहाँ पे हम डालेंगे खरबूजे का बीज। ये 50 ग्राम है और कप से लेंगे तो आधा कप है। तो यहाँ पर हमने लिया है खरबूजे का बीज और तरबूजे का बीज। तो दोनों को हम साथ में ही इसी तरीके से रोस्ट करेंगे घी में। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने घी नहीं डाली, आप चाहे तो घी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो बस हमें इन्हें भी 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है या फिर चटकने तक। तो चलिए 2 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये हमारे सीड्स अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। यहाँ पे हम इन्हें निकाल देते हैं। और जो काजू बादाम है ना, ये ठंडे हो चुके हैं, तो ठंडे होने के बाद यहाँ पे हम इन्हें पीस लेंगे। तो पीसना है हमें दरदरा ही पीसना है, आप चाहें तो पाउडर बना ले, पर यहाँ पे हम इसे थोड़ा दरदरा ही रखेंगे जिससे जब इसकी बाइट आती है ना लड्डू में तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने दरदरा कुछ इस तरीके से ड्राई फ्रूट को पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं, पर हम आज के लड्डू में इसे थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम एक बाउल में निकाल लेते हैं ड्राई फ्रूट को। देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इसमें पाउडर जैसा नहीं है। और जो भी आपको खड़े ड्राई फ्रूट दिखते हैं आप उन्हें चाकू से काट लें। और साथ ही यहाँ पे हमने खरबूजे और तरबूजे के बीज को भी डाल दें, इन्हें हमने पीसा नहीं है और इन्हें पीसना भी नहीं है। तो सिर्फ हमने काजू और बादाम को ही पीसा है। और साथ ही इसमें हम डालेंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और ठंड में गर्माहट देने वाली बहुत ही ख़ास चीज़, और ये है जायफल। सुपारी सा दिखने वाला जायफल, इसे हम घिस लेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा डाला है। यकीन मानिए जायफल बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, और अगर आप इस तरीके से लड्डू में डाल करके बनाते हैं तो आपको सर्दियाँ छू भी नहीं सकते, अगर आप प्रतिदिन एक लड्डू इसी तरीके से बना के खाएंगे। तो यहाँ पे हमने जायफल डाल दिया है। साथ ही इधर आज हम बिना गुड़ चीनी चाशनी के बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 कप किशमिश। तो यहाँ पे कप से 2 कप है और ग्राम से लेंगे तो ये 150 ग्राम है। इन्हें हमने पीस लिया है कुछ इस तरीके से। किशमिश का पेस्ट बहुत जल्दी पीस करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हम लेंगे पैन, गैस ऑन कर देंगे और किशमिश को इसमें डाल देंगे। और बस 2 मिनट हमें बिना घी या तेल डाले, कुछ भी डाले, हमें इसी तरीके से इसे पका लेना है सिर्फ 2 मिनट तक। और जैसे 2 मिनट पूरा हो जाता है और ये हल्का लूज़ हो जाएगा, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी किशमिश का पेस्ट बन करके तैयार हो गया। ये थोड़ा पक गया है जिससे इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम किशमिश को डाल देते हैं, ड्राई फ्रूट जो हमने सब रखे ना बाउल में, तो उसमें हम किशमिश को डाल देंगे। और उसके बाद हाथ में लेंगे थोड़ा सा घी, और अब ये थोड़ा गर्म है इस चीज़ का आप ध्यान दें, हल्का ठंडा हो जाए किशमिश ना, तो हाथ में थोड़ा सा घी लगा लें हथेलियों में। किशमिश को सारे ड्राई फ्रूट में अच्छी तरीके से मिला दें जिससे लड्डू बनने लगे। तो बस ये देखिए सबको अच्छे से मिलाने के बाद, जब गर्म हो तो आप ध्यान दें हल्का ठंडा कर लें, उसके बाद ही लड्डू को मिलाएं। और ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट किशमिश अच्छे तरीके से मिल चुके हैं आपस में। और ये देखिए ये हमारा लड्डू बन करके तैयार है। दिमाग को तेज करे और शक्ति स्फूर्ति से भरपूर करे, तो ऐसा है ये हमारा सेहतमंद पौष्टिक से भरपूर लड्डू। तो कितनी आसान सी रेसिपी है, आपने देखा ना, ना ही यहाँ पे गुड़ चीनी या फिर किसी भी तरीके से चाशनी या बहुत ज़्यादा घी यहाँ पे हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है। बहुत आसान सी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ।
किशमिश और ड्राई फ्रूट से बना ये हमारा बहुत ही हेल्दी और आसान सा लड्डू, सेहतमंद लड्डू बनकर के तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज के सेहतमंद लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे वीडियो को शेयर करें। रोज़ाना एक लड्डू ज़रूर खाएं। सर्दी जुकाम को करें टाटा एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।